होते रहे हैं। बालाघाट में हमेशा से होते चला है, कोई पहली बार नहीं हुआ है। इसके पहले के भी जितने सांसद रहे उनके साथ भी लगभग यही परिस्थितियाँ जिले में दिखाई देती रही हैं। इसलिए मैं, मुझे इसका अनुभव है क्योंकि आपका पड़ोसी रहा हूँ और पहले से विधायक मंत्री रहा हूँ, तो हमेशा से यहाँ पर सांसद को कभी भी जो सम्मान उसका होना चाहिए कभी भी सम्मान नहीं किया गया। कार्यक्रम में शामिल हुए जो कि और बैठक बहुत महत्वपूर्ण थी, तो इसको किस तरीके से देखते हैं? निश्चित रूप से मेरी बैठक का कार्यक्रम पहले से तय था। कलेक्टर की जिम्मेदारी थी कि आज की बैठक में मेरे साथ उनको उपस्थित होना चाहिए था, और जैसा आप कह रहे हो कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र में गए, पर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में यदि उनका जाना हुआ है तो SP तो इस बैठक में उपस्थित थे, तो कायदे से तो यदि उस क्षेत्र में जाना हो तो SP को जाना चाहिए, और यदि कलेक्टर जा रहे हैं तो कलेक्टर साथ SP भी जाते हैं। सामान्य तौर पर कभी भी अकेले लोग भ्रमण नहीं करते हैं, यदि कोई सरकारी का कोई कार्यक्रम हो तो। और जो भूमि पूजन का कार्यक्रम कह रहे हैं, तो यदि भूमि पूजन के कार्यक्रम में कलेक्टर को जाना और नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, हो सकता है कि SP ने सारी व्यवस्थाएं वहां कर दी हों और कलेक्टर को जाना यदि वहां अति आवश्यक था, तो मेरी बैठक को यदि उन्होंने इग्नोर किया है और उन्होंने उसको ठीक नहीं समझा है, क्योंकि मेरा पहले से तय कार्यक्रम था, और इसका मतलब जानबूझ के कलेक्टर के द्वारा आज की बैठक की अवहेलना की गई है, या जानबूझ के दूरी बनाई गई है, या हो सकता है कि प्रशासन ने स्थानीय नेताओं के दबाव में कार्यक्रम तय किया हो। भाव ये इससे पहले भी कलेक्टर वगैरह ने अनदेखा करते रहे हैं? बालाघाट में हमेशा से होते चला है, कोई पहली बार नहीं हुआ है। इसके पहले के भी जितने सांसद रहे उनके साथ भी लगभग यही परिस्थितियां इस जिले में दिखाई देती रही हैं। इसलिए मैं, मुझे इसका अनुभव है क्योंकि आपका पड़ोसी रहा हूं और पहले से विधायक मंत्री रहा हूं, तो हमेशा से यहां पर सांसद को कभी भी जो सम्मान उसका होना चाहिए कभी भी सम्मान नहीं किया गया, ये दुर्भाग्य बालाघाट के लिए। ये इस बात को लेकर क्या स्टैंड रहेगा आगे आप लोग? मेरा क्या स्टैंड है, देखिए मैं तो सांसद हूँ, सांसद होने के नाते अपना काम करूँगा, मुझे अपने काम के प्रति रुचि है, मैं अपने काम को ईमानदारी से करता हूँ। अब कोई इज्जत करे ना करे, बेइज्जत करे, उसका पाप धर्म वो जाने वो करे, मेरे को तो अपने कर्तव्य से मतलब है, अपना काम करूंगा, जो मेरे जिम्मे काम है उन कामों को करना मेरी प्राथमिकता है। क्या लग रहा है भाव उसके पीछे?